वी हैव मल्टीपल इश्यूज श्रीनगर सिटी में, पर्टिकुलर जो आपने कहा कि यू नो काफ़ी सारी यू नो शाम को या अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक जैमिंग्स का मामला है, ट्रैफिक जैमिंग यू नो हो रही है, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन ये है कि यू नो हमारी कोशिश रहेगी कि जितना हम यू नो प्रोएक्टिवली जहाँ जहाँ पर जैमिंग है उसको वहाँ पर डिकंजेशन की जो भी वजह है जिस वजह से भी ये हो रहा है विल प्रोएक्टिवली परस्यू दैट एंड विल ट्राई टू डिकंजेस्ट हर कोई जहाँ पर भी इंटरसेप्शन है जहाँ पर भी जिस एरिया में भी है ग्रेजुअली एंड स्लोली विल ट्राई टू यू नो रीच आउट टू ईच एंड एवरी एरिया इन श्रीनगर. सर सेकंड क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लाल चौक स्पेशली लाल चौक की अगर बात है पार्किंग प्रॉब्लम सी अब पार्किंग की चीज़ बनी है लेकिन स्टिल अगर देखा जाए का गाड़ियाँ जो है वो मेन रोड पे होती है जो मेन कारण बन रहा है ट्रैफिक में इसका व्हाट विल बी योर एक्शन फॉर दैट बिकॉज देखिए जो SMG वाली पार्किंग है दैट इज रेडी और लेकिन वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अभी लोग पार्क नहीं कर रहे हैं साइटिंग की कुछ टैरिफ का मसला है कि जो वहाँ पर जो उनको पेमेंट करनी है मंथली और डेली का जो सिलसिला रहेगा तो इसमें यू नो मैंने रिक्वेस्ट भी की है यू नो DC श्रीनगर से कि जो ये पर्टिकुलर इशू है इसको सॉर्ट आउट किया जाए. एक बार ये जो मामला ये सॉर्ट आउट हो जाएगा हमारा फोकस इमिजिएटली रहेगा ऑन लाल चौक. एटलीस्ट ये जो पार्किंग हमारी बनी है इस पार्किंग में हम कोशिश करेंगे कि अराउंड यू नो 400 से ज़्यादा बिजली की गाड़ियाँ जाएंगी वो वहाँ पर पार्क हो जाएँ. तो एक बार वो वाला जो हमारा सिलसिला जब जैसी चलेगा इट इज़ गोइंग टू डिकंजेस्ट लाल चौक टू ए लार्ज एक्सटेंट. और फॉर्चुनेटली हमारी दूसरी एक और पार्किंग जो ऑलमोस्ट रेडी है एक बार वो भी फंक्शनल हो जाती है तो लाल चौक का जो ये ट्रैफिक का मैस है पर्टिकुलरली रॉन्ग पार्किंग जहाँ पर क्योंकि लोगों को पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है. अब फॉर्चुनेटली ये एक तो बन गई है दूसरी इट्स अबाउट टू बी मेड फंक्शनल इसे काफ़ी हद तक यू नो रिलीफ मिलेगा आम कम्यूटर्स को भी और जो वहाँ पे जो दुकानदार भी हैं उनको भी प्लस जो शॉपिंग करने आएंगे उनके लिए भी. फॉर अस एज जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ जो यू नो इन्वॉल्व हैं हमारे लिए भी इट विल बी ए बिग रिलीफ कि सोमवार टवेरा जो भी ये ड्राइवर साहिबान हैं और तो ओनर्स हैं कि अगर डिजिग्नेट स्पॉट जहाँ पर है तो वहाँ तक आएँ तो वहाँ से जो फेयरिंग वाला मैकेनिज्म है 407 गाड़ी का चलना और SRTC गाड़ी का चलना वहाँ से वो स्ट्रीमलाइन ऑलरेडी है वी ट्राई टू स्ट्रीमलाइन इट मोर ताकि वहाँ से अगर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरफ जिसको भी आना है लाल चौक और मे बी जहांगीर चौक जिसने भी आना है उसके लिए जो 407 वाली जो सर्विस है वो ठीक से चले तो उससे आप देखिए कितना रिलीफ मिलेगा एक आम कम्यूटर को जिसने लाल चौक क्रॉस करने है लाल चौक में आना है क्योंकि कंजेशन मेजरली आज की डेट में है बिकॉज ऑफ द अनरेगुलेटेड सूमो और टवेरा जो हिट करती हैं हमें लाल चौक में जहांगीर चौक में एंड इवन इन बटमार ऑल्सो. सो जब ये मेजर हमारा जंक्शन हमारा यू नो चौक हो जाता है इसके रेमिफिकेशन हर जगह पहुँच जाते हैं एवरीथिंग देन स्टार्ट्स चौकिंग. अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पैसेंजर जो है लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है फेस कर रहे हैं गाड़ियाँ नहीं मिल रही है यहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल गाड़ी पांता चौक में छोड़ी है पालीपुरा में छोड़ी है अब क्या देखिए सिटी में अच्छी खासी है जो 407 की सर्विस 407 की गाड़ियाँ हैं छोटी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे गाड़ियाँ अच्छी मिकदार में गुड नंबर ऑफ व्हीकल्स आता है. इट इज़ जस्ट दैट कि ना प्रॉपरली ना यूटिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हंगरी रूट है उसमें ना कमेंसुरेट नंबर ऑफ व्हीकल्स हैव टू गो. इसमें एनालिसिस की कंडीशन है कि ज़रूरत है कि किसी एक पर्टिकुलर रूट में ज़्यादा गाड़ियाँ तो नहीं चल रही हैं. मैं RTO साहब के साथ भी यू नो आई वुड रिक्वेस्ट देम कि अगर हम रैशनलाइजेशन इसमें करें कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है यू नो गाड़ियों की अगर हम शिफ्ट करें फ्रॉम वन पर्टिकुलर रूट से वहाँ पर इसे एक आम आदमी जो ये गाड़ी जो यूज़ कर रहा है फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको काफ़ी उससे रिलीफ मिलेगा. थैंक यू सर.